morning, students. Today I will start exercise 1 of chapter number 8, time. यहाँ पे जो क्वेश्चन बी है गिवन, ये यहाँ पे क्लॉक है. सबसे फर्स्ट मैं एक क्लॉक ड्रॉ करके बताती हूँ. क्लासिक क्लॉक ड्रॉ करते हैं, एक सर्कल बनाओगे, देन उसके बाद इसके ऊपर टॉप में सेंटर में 12 एंड देन जस्ट बिलो 6 एंड इस साइड से भी बिल्कुल सेंटर में 3, एकदम इसके जस्ट सामने 9 एंड यहाँ 1 एंड यहाँ पर नंबर 2, यहाँ 4. सेम गैप सेम होना चाहिए सारे नंबर्स के बिटवीन 8, 10 एंड देन 11. एक और क्लॉक ड्रॉ कर लेते हैं. सबसे फर्स्ट बिग सर्कल, देन एकदम टॉप में सेंटर में 12, जस्ट उसके बिलो 6, यहाँ पे इस साइड में 3, यहाँ इस साइड जस्ट सामने उसके 9 एंड 1, 2. बिल्कुल सेम गैप होना चाहिए, ऐसे नहीं कि एक नंबर तो बहुत पास में लिख दिया और एक बहुत दूर. ठीक है, ओके. 7, 8, 10 एंड देन 11, ओके. एंड 9 और 3 के बिटवीन एकदम यहाँ पे सेंटर में एक डॉट लगाएंगे. अब हम यहाँ पे हमारा क्वेश्चन भी है, अवर हैंड. एक इसमें होती है अवर हैंड, एक होती है मिनट हैंड. बड़ी वाली जो हैंड होती है ये होती है मिनट हैंड की, ठीक है. मिनट्स इसके अकॉर्डिंग हम मिनट करते हैं और यहाँ पे जो अवर हैंड है वो छोटी होती है और यहाँ पे जो होती है ये अवर हैंड, ये छोटी होगी, ठीक है. क्वेश्चन बी भी इसी तरीके से है और इसमें हमें जो टाइम बताना है वो आपको कैसे बताना है, एक तो न्यूमरल फॉर्म एक वर्ड फॉर्म में. न्यूमरल फॉर्म में आप देखो, मतलब जिस भी नंबर इधर से 12 के बाद से लेकर 12 के बाद यानी 1 से लेकर 6 तक जो भी नंबर होंगे ये मिनट हैंड के अकॉर्डिंग आपको मिनट लिखने होते हैं. यहाँ पे जैसे आप देखोगे टाइम, सबसे पहले देखो मिनट हैंड यानी सबसे बड़ी वाली जो हैंड होगी उसको देखो वो कौन से नंबर पर है. 6 पर है. बड़ी वाली हैंड किस पर है? ये मिनट हैंड है. मिनट हैंड को देखेंगे कि वो कौन से नंबर पे है. 6 पे है तो कि जिस भी नंबर पे होगी उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतने मिनट होंगे. 6 × 5 = 30, तो कितने मिनट होंगे यहाँ पे? मिनट 30. अब यहाँ पे इसके आगे मिनट को हम पीछे लिखते हैं, आगे हम क्या लिखेंगे? देखो 9 इस अकॉर्डिंग क्या हो रहा है और जो आवर हैंड है वो 9 और 10 के बीच में है, बिटवीन है, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे 30 मिनट्स ज्यादा हो गए इसलिए 9 और 10 के बीच में. जब ये 12 पर आ जाएगी तो ये आवर हैंड 10 पर आ जाएगी, ठीक है. तो यहाँ पे 9 और 10 के बिटवीन है. हम यहाँ पे कौन सा नंबर लिखेंगे? 10, 30 या 9, 30 लिखेंगे. 9 हम नंबर इस वाले नंबर को लास्ट नंबर को तब तक लिखेंगे जब 1 से लेकर 6 पर होगा, तब हम ये वाला नंबर ही लिखेंगे, पहले वाला. जैसे अगर मान लो 3 पर होती मिनट हैंड किस पे होती? 3 पर होती और ये 9 और 10 से 9 से जरा सा आगे होती तब भी हम 9 लिखते, ठीक है. क्योंकि अभी 9:30 होंगे तो आपको पहले वाला नंबर लिखना है. अगर आपके 8 पर होती तो 40 मिनट और आप तब भी 8 लिखते, 8:40, तो अभी कितना टाइम है? 9:30. ये हो गया न्यूमरल फॉर्म में. अब इसको वर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे टाइम को? वर्ड फॉर्म में आपको लिखना है क्वार्टर पास्ट 2. आप देखो क्वार्टर पास्ट में हम जब लिखेंगे, जब 1 से लेकर 6 तक का जो भी नंबर होगा जिस पे भी मिनट हैंड होगी, 1 से 6 तक के किसी भी नंबर पर अगर मिनट हैंड होगी तब टाइम हम जब वर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे क्वार्टर पास्ट में, ठीक है. और इसके अलावा जैसे अगर इधर वाले नंबर्स पर होगी 7, 8, 9, 10, 11, इनमें से किसी भी नंबर पर मिनट हैंड होगी तब हम लिखेंगे क्वार्टर टू में. तो अभी 6 पर है, 1 से लेकर 6 पर जब भी किसी नंबर पर होगी तो हम लिखेंगे, मतलब किसमें? क्वार्टर पास में. लेकिन यहाँ पे देखो इसका क्या होगा, अगर 6 पर होगी तब आपको एक ध्यान रखना है, हाफ पास में लिखोगे तब उसका टाइम कैसे लिखोगे? हाफ पास्ट कितना हो रहा है? 9:30. यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा वो लिखेंगे 9:30. अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन सी क्वेश्चन में यहाँ पे सेंटर में मैंने बना लिया, यहाँ पे जो मिनट हैंड है बड़ी वाली हैंड वो किस पे है? 9 पर है और जो आवर हैंड है वो 11 पर है. जरा सी पूरी 11 पे नहीं है, 11 o'clock होने वाले हैं तो ये थोड़ी सी आने वाली है, ठीक है. तो इसमें हम पहले
वर्ड्स में न्यूमरल फॉर्म और फिर वर्ड्स में लिखेंगे देन टाइम. तो सबसे फर्स्ट आप देखो पहले मिनट हैंड ही देखनी है आपको, बड़ी वाली हैंड. ये किस नंबर पे है? 9 पर. तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से, या 5 को 9 से कर दो. कितने मिनट्स हो जाएंगे? 45 मिनट. ठीक है, इसके बाद आगे कौन सा नंबर लिखेंगे? हमें 11 पे नजर आ रही है, बट हम फिर भी क्या लिखेंगे? इससे पहले वाला नंबर 10:45. ठीक है, 10:45 टाइम हो रहा है. अब हम इसका टाइम मैंने बताया 7, 8, 9, 10, 11, इनमें से किसी भी नंबर पर अगर मिनट हैंड होगी, मिनट हैंड की बात कर रही हूँ. ठीक है, तो टाइम हम लिखेंगे क्वार्टर टू में. किस में लिखेंगे? क्वार्टर टू. तो यहाँ पे लिखेंगे क्वार्टर, नेक्स्ट क्वार्टर टू. यानी क्वार्टर टू का मतलब होता है 11 o'clock या जो भी टाइम है वो होने वाला है. तो अभी क्या है? क्वार्टर टू 11, यानी कितना टाइम होने वाला है? 11 o'clock होने वाला है. ठीक है, क्वार्टर टू 11 इस तरीके से लिखेंगे. समझ आ गया आपको? अगर मान लो सपोज 8 पर होती, मिनट हैंड किस पे होती? 8 पर, तब भी हम ये लिखते क्वार्टर टू 11, और यहाँ पे टाइम चेंज हो जाता, यहाँ हो जाता 10:40. ठीक है, इस तरीके से स्टूडेंट आपको जो टाइम है वो आपको लिखना है. और जो हमारी एक्सरसाइज सेकंड है उसमें भी हमें रीड द क्लॉक एंड राइट द टाइम एज हाफ पास्ट, क्वार्टर टू और क्वार्टर पास्ट. एक्सरसाइज टू भी एकदम सेम है. इसमें भी जैसे क्वेश्चन ए है उसमें 2 और 3 के बिटवीन है, तो हाफ पास्ट पहले आपको लिखना है. मतलब आपको इसमें बस एक चीज है, इसमें आपको वर्ड फॉर्म में टाइम नहीं लिखना है, सिर्फ क्वार्टर पास्ट, हाफ पास्ट. इस तरह हाफ पास्ट कब होगा? जब मिनट हैंड किस पे होगी? 6 पर. ठीक है, जैसे इस पे 6 पर है फर्स्ट क्वेश्चन ए में, एक्सरसाइज सेकंड बता रही हूँ मैं आपको, 6 पर है मिनट हैंड, तो आप क्या लिखोगे? हाफ पास्ट. और अभी हाफ पास्ट यानी 3 o'clock नहीं हुई, तो हाफ पास्ट 2 वो लिखेंगे. ठीक है, जैसे क्वेश्चन बी है उसमें लिखेंगे हम मिनट हैंड है 9 पर, तो हम लिखेंगे क्वार्टर टू. यानी इधर वाले नंबर पर किसी पर भी होगी तो क्वार्टर टू में लिखेंगे टाइम, क्वार्टर टू. और 4 o'clock होने वाला है, क्वार्टर टू 4. नेक्स्ट क्वेश्चन सी, इसमें अभी 3 पर है मिनट हैंड, तो हम लिखेंगे हम क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर पास्ट 4. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डी, इसमें 6 o'clock होने वाले हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे क्वार्टर टू 6. क्वार्टर टू 6 का मतलब होता है कि 6 o'clock होने वाले हैं इसलिए. और हाफ पास्ट का मतलब क्या होता है? जब अगर मिनट हैंड 6 पर होती है और इधर किसी भी नंबर पर होती है, तब हम लिखते हैं क्या लिखेंगे आप? क्वार्टर पास्ट में लिखोगे, और जिस नंबर पे वो आपको नजर आ रही है वो लिखोगे. ओके स्टूडेंट, सो ईच स्टूडेंट डू एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 इन योर कॉपी. थैंक यू.